सत्ता के समीकरण में कौन क्या कह रहा है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कई लोग बोल रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई टिप्पणी करने वाली नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को नई सरकार की जल्द से जल्द आवश्यकता है और जल्द से जल्द नई सरकार बनेगी, हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। आज मैंने सुबह भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की से मुलाकात की। महाराष्ट्र में जो बारिश आई, बेमौसम बारिश आई और जिसके कारण महाराष्ट्र में खेती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, करीब 325 तालुकों में 100% के करीब, कई जगह पर यह नुकसान है, कई 80% है, कई 90% है, पर बहुत बड़ा नुकसान है। और इस आपत्ति को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसमें मदद करनी चाहिए, ये गुहार लेकर मैं उनके पास गया था। जो प्राथमिक अंदाज मेरे पास है वो मैंने उनको सबमिट किया है, संबंधित सचिवों से उन्होंने बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने जो टीम असेसमेंट के लिए भेजनी है वो भी तुरंत भेजने की बात कही है। मैंने उनको ये भी निवेदन किया था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके साथ वो तुरंत एक अगर बैठक करे और उनको निर्देश दे, क्योंकि जो केंद्र सरकार की कंपनी है वही करीब करीब सारे जिलों में, तीन ही जिलों में दूसरी कंपनी है, तो इसलिए उन दोनों कंपनियों के साथ वो बैठक करके अगर केंद्र सरकार की ओर से उनको निर्देश दे कि वो थोड़ा लीनियंटली सारी चीजें करते हुए, बहुत नियमों पर उंगली न रखते हुए किसानों को कैसे मदद कर पाए, इसके बारे में उनको वो बताए, तो उसको भी उन्होंने हामी भरी है और वो जल्दी ही उनके साथ भी बैठक करने वाले हैं। सत्तेच्या समीकरणाच्या संदर्भात कोण काय बोलता आहे याच्यावर मी बिलकुल रिएक्शन देणार नाही, भाजपमधनं देखील कोणी रिएक्शन देणार नाही। या ठिकाणी महाराष्ट्राला सरकार नवीन त्याची आवश्यकता आहे आणि ते सरकार महाराष्ट्रात निश्चितपणे बनेल, आम्ही पूर्णपणे आम्ही आश्वस्त आहोत। सन्माननीय राज्यपाल महोदय से जरूर आज हम मिलने जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, उनका अपॉइंटमेंट भी है। मैं मानता हूँ ये एक कर्टिसी विजिट है, सदिच्छा भेंट है, मैं भी उनका आशीर्वाद लूंगा, हम सब उनका आशीर्वाद लेंगे। हमारे राज्यपाल महोदय जो है आज के कोश्यारी जी, एक बहुत ही अनुभवी नेता है इस देश के, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं। हमने भी उनके साथ उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन बहुत बार संसद में लिया है, हमारे साथ थे, तो आनंद है कि इतना बड़ा नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आया। लेकिन बीच में चुनाव आ गए, बाद में रिजल्ट आ गए, तो हम उनको मिल नहीं सके राज्यपाल जी को, तो आज जाकर जरूर हम उनसे मिलेंगे।